नमस्कार दोस्तों, अतरंगी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के 6 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा भी असम वो राज्य है जो पूरे भारत को उत्तर पूर्व राज्य से जोड़ता है। और असम की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि काफी हैरान करने वाली है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ असम के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। 1826 से पहले असम बर्मा का एक हिस्सा था और बाद में जाकर ये ब्रिटिश इंडिया का एक हिस्सा बना। 1950 से पहले त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर उत्तर पूर्व के ज्यादातर राज्य असम का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश भारत के दौरान से चाय उत्पादन में असम का काफी दबदबा रहा है और आज के दिनों में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भूपेन हजारिका सेतु नदी के ऊपर बनाया गया भारत का सबसे लंबा ब्रिज है जो कि लोहित नदी के ऊपर बनाया गया है। असम में स्थित काजीरंगा पार्क भारत का मशहूर नेशनल पार्क है जो एक सिंह वाला राइनो के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। असम में स्थित माजुली आइलैंड किसी भी नदी के द्वारा बना गया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और नदी के ऊपर बना दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड उमानदा आइलैंड है जो कि असम में ही आता है। असम के लोगों का संस्कृति डांस बिहू डांस है और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग साल में इसे 3 बार मनाते हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल निर्यात केंद्र असम के डिगबोम में स्थित है और आज के दिनों में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वर है। असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे चौड़ा नदी है जो कि लगभग 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। असम का ज्यादातर हिस्सा दो वैलियों के द्वारा घिरा है। पहला है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरा है बराक वैली। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असम के दीनाहटाओ डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पर काफी सारे पक्षी इस रास्ते से गुजरते हुए समय खुदकुशी कर लेते हैं। असम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी रहते हैं। असम का अर्थव्यवस्था उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ा होने के बावजूद इसका नाम भारत के सबसे गरीब राज्यों में से गिना जाता है और असम का प्रति आदमी इनकम सालाना सिर्फ 90,000 रुपए है जो कि भारत में 26वें स्थान पर आता है। असम में बूढ़ो संप्रदाय के लोगों की आबादी सिर्फ 12-13% है, लेकिन फिर भी यहाँ के बूढ़ो संप्रदाय के लोग असम को 2 हिस्सों में तोड़कर बूढ़ो लैंड की मांग करते हैं, जबकि यहाँ पर असमों की मात्रा लगभग 48% और बंगालियों की मात्रा लगभग 27% है। असम में रहने वाले लोगों में 61% हिंदू, 34% मुसलमान और 3.5% ईसाई रहते हैं। असम में बूढ़ो लैंड का मामला हो या फिर अन्य दूसरे कारणों का, लेकिन यहाँ के ज्यादातर मुसलमान और ईसाई अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इन अशांतियों के मद्देनजर भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 1998 से लेकर पॉस्पा एक्ट लागू किया गया है जिससे आर्मी को काफी पावर मिलता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।